सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें अनुकूल बजट में, ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं मेघा खाड़े। आइए जानते हैं सुर्खियों में चल रही अफगानिस्तान की खास खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तबाही के तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तालिबान ने बामियान में हजारा समुदाय के नेता अब्दुल अली मजारी के स्टैचू को उड़ा दिया है। ये जानकारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सलीम जावेद ने शेयर की है। बता दें बामियान वही जगह है जहां तालिबान ने 20 साल पहले अपने पिछले शासन में बुद्ध की प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा दिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी का दावा किया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने फीमेल न्यूज़ एंकर को बैन कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को हटाकर तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग शुरू करवा दी है। वहीं बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। वे तालिबान के खिलाफ है और उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार भी उठाए थे। महिलाओं के अधिकारों को लेकर तालिबान की हकीकत 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गई है। तालिबान ने मंगलवार को ही कहा था कि महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। साथ ही महिलाओं से सरकार में शामिल होने की अपील भी की थी, लेकिन अपील करने के बाद नज़ारा कुछ और ही देखने मिल रहा है। तालिबान और अफगानिस्तान के झड़प के बीच कई मासूमों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। इस दौरान सजात नोमानी ने अफगानिस्तान पर कब्जे पर जायज़ बताया है। उन्होंने बधाई दी और कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान तालिबान को सलाम करता है। इन नौजवानों ने काबुल की ज़मीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया किया। डीआरवी न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीआरवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।